दोस्तों इस साल हम सभी को देखने को मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पर काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस और काफ़ी अच्छे फीचर्स वाले स्मार्टफोन। और ऐसे में स्मार्टफोन मेकर्स कंपनीज के बीच में होड़ लगी हुई है कि वो आपको कम से कम प्राइस पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स को डिलीवर कर पाएँ। दोस्तों रिसेंटली Xiaomi इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि Xiaomi इंडिया में लॉन्च करने वाला है वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्मार्टफोन। तो ऐसे में क्या कुछ होगा इस स्मार्टफोन में, खास क्या होंगे इसके स्पेसिफिकेशंस, क्या होंगे इसके फीचर्स, क्या ये करेगा अपने प्राइस को जस्टिफाई, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे यही सब बातें करने वाला हूँ। दोस्तों कोई भी स्मार्टफोन अगर फास्ट अपने आप को कहता है तो उसमें होना चाहिए एक गजब का फास्टेस्ट प्रोसेसर। तो क्या इस स्मार्टफोन में वो फास्टेस्ट प्रोसेसर है, दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएंगी और आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि आपको इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स। दोस्तों रिसेंटली Xiaomi ने चाइना में अपना K20 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किया था और अब प्रोबेबिलिटी ये है कि ये इंडिया में स्मार्टफोन आ सकता है और इसका नाम रखा जा सकता है Poco F2 या फिर हो सकता है कि K20 Pro के नेम से ही ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाए। दोस्तों इस स्मार्टफोन में मिलता है आपको अब तक का फास्टेस्ट प्रोसेसर और इस प्रोसेसर के बारे में इस वीडियो को आप देखते रहिए, मैं डिटेल में बताऊंगा, आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ और आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि ये स्मार्टफोन का प्रोसेसर कितना ज़्यादा फास्ट है। अब तक इंडिया में अगर K20 Pro का कोई प्रेडेसर था तो वो था Poco F1 और Poco F1 में आपको देखने को मिलता था स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर, लेकिन K20 Pro में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर कितना ज़्यादा फास्ट है इसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं इस प्रोसेसर के बारे में डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको बताने वाला हूँ, आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि ये प्रोसेसर कितना अच्छा काम कर सकता है, कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कैसी मिलेगी आपको इसमें ग्राफिक्स की क्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे और आप डेफिनेटली ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों आइए देखते हैं और समझते हैं क्या कुछ हैं इस स्मार्टफोन के स्पेशल फीचर्स और ये क्या परफॉर्मेंस आपको एक्चुअल में डिलीवर करने वाला है। दोस्तों लुक वाइज ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, आता है पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ, साथ ही इसका जो बैक पैनल है वो ग्लास का बना हुआ है और इस पर आपको फ्लेम जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशंस काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं जो इस स्मार्टफोन को एकदम प्रीमियम फील देते हैं। दोस्तों अगर साथ ही आप इसको देखते हैं एजेस से तो ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पतला है, इसका फ्रेम काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है और उसको थिन बनाया गया है। दोस्तों Redmi K20 Pro दूसरा फ्लैगशिप कलर स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से और इसे स्पेशली मिड रेंज वायर्स को फोकस किया गया है जिससे कि वो लोग इस स्मार्टफोन को ख़रीद सकें और उनके जेब पर भी ज़्यादा फर्क ना पड़े। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आपसे इसके डिस्प्ले के बारे में तो ये आता है 6.39 इंच के एमोलेड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ जिसका रिजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल्स का और एस्पेक्ट रेशियो ये आपको जो प्रोवाइड करता है वो है 19.5:9 और इसके साथ ही ये HDR प्लेबैक को सपोर्ट करता है और इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की कोटिंग की गई है। दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड पाई पर रन करता है और इसको 4000 mAh बैटरी से पावर दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी आपको बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगी। दोस्तों Redmi K20 Pro 27W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आपका स्मार्टफोन बहुत ही कम टाइम में काफ़ी अच्छी चार्जिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। दोस्तों अलग अलग स्टोरेज और अलग अलग रैम वेरिएंट्स में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें इसको बना देती हैं पावर पैक्ड। दोस्तों Redmi K20 Pro डुअल सिम स्मार्टफोन है और ये दोनों नैनो सिम कार्ड्स को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं इस फ़ोन के रियर कैमरास की तो ये बड़े ही गजब के हैं, कमाल के हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको 3 कैमरास का कॉम्बिनेशन। दोस्तों इसके रियर में जो प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है वो है 48 MP का और उसका अपर्चर है 1.75 और पिक्सल साइज आपको देखने को मिलता है 1.6 micron का। दोस्तों सेकंड कैमरा जो है वो है 8 MP का और 2.4 अपर्चर के साथ आता है। दोस्तों पिक्सल साइज इसमें आपको देखने को मिल जाता है 1.12 micron का और साथ ही थर्ड कैमरा जो है वो है 13 MP का और इसका अपर्चर है 2.4। दोस्तों रियर कैमरा जो आपको देखने को मिलते हैं वो सारे ऑटो फोकस कैमराज है और ये 20 MP कैमरा फ्रंट में देता है जो कि एक पॉपअप कैमरा है और काफ़ी कमाल की सेल्फीज ये आपको प्रोवाइड करेगा।
दोस्तों साथ ही आपसे अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी के बारे में, तो ये आपको वाईफाई जो प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस फ़ोन का मैकेनिज्म इस तरह का है, इसलिए ये आपको काफ़ी तेज़ वाईफाई स्पीड प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों ब्लूटूथ का इसमें सपोर्ट मिलता है आपको, 5.0 NFC भी इसमें दिया गया है, इंफ्रारेड भी इसमें दिया गया है, और साथ ही अगर USB पोर्ट की मैं आपसे बात करूँ तो ये मिलता है आपको Type-C। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के सेंसर्स की, तो इसमें फेस अनलॉक फीचर दिया गया है जो कि ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर है, आप सभी जानते हैं कि रेडमी जो है काफ़ी अच्छे फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करता है, तो सिंगल क्लिक में ही आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाता है। दोस्तों कंपास और मैग्नेटोमीटर भी आपको देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है, एक्सेलेरोमीटर मिल जाता है, एम्बिएंट लाइट सेंसर मिल जाता है, और जायरोस्कोप मिल जाता है। दोस्तों अब मैं आपको जिन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, ये होती हैं किसी भी स्मार्टफोन का बेस कंपोनेंट, जैसे कि GPU इसमें आपको देखने को मिलता है, क्वालकॉम का एड्रीनो 640 GPU जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और इसमें आप PUBG फुल सेटिंग्स में यानी कि फुल परफॉर्मेंस के साथ रन कर पाएंगे। दोस्तों इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो है 2.8 GHz का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है, जिसका वन कोर क्लॉक्ड है 2.84 GHz की स्पीड पर, थ्री कोर्स क्लॉक्ड हैं 2.42 GHz की स्पीड पर, और बचे हुए फोर कोर्स क्लॉक्ड हैं 1.8 GHz की स्पीड पर, जो कि कमाल की बात है। और दोस्तों 6GB और 8GB रैम के साथ तो ये प्रोसेसर कमाल ही कर देता है, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा कि शायद आपका लैपटॉप भी ना कर पाए। दोस्तों इस प्रोसेसर में आपको देखने को मिलती है क्वालकॉम क्विक चार्ज 4+ टेक्नोलॉजी, जो कि आपके स्मार्टफोन को काफ़ी तेज़ी से चार्ज कर देती है, और इसमें क्वालकॉम ट्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिल जाती है, क्वालकॉम ब्रॉडकास्ट ऑडियो टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिल जाती है, जो आपकी ऑडियो क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और जो ट्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसका ये मतलब होता है कि जो भी वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं, आपका स्मार्टफोन एकदम कंटिन्यूस अच्छी तरह से आपको सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और रियल टाइम में आपको काफ़ी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। और क्वालकॉम एक्सटिक ऑडियो टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज़ की गई है। दोस्तों ये सारी ऑडियो टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको अच्छा सा साउंड का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए दी गई है, क्वालकॉम एप्टेक्स ऑडियो टेक्नोलॉजी। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कई तरह की ऑडियो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, तो गजब का साउंड ये स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करेगा। दोस्तों वैसे तो इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो काफ़ी कैपेबल है 5G नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि इंडिया में आपको 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, इसीलिए इस स्मार्टफोन को 5G का सपोर्ट नहीं दिया गया है। दोस्तों इसमें X50 5G मॉडेम यूज़ किया गया है, जो कि इन केस अगर कंपनी इसको इनेबल करती है तो आपको 5G सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस स्मार्टफोन को यूज़ करने का एक्सपीरियंस काफ़ी गजब का है, काफ़ी कमाल का है, क्योंकि इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है उसका आर्किटेक्चर काफ़ी लेटेस्ट है और काफ़ी जो है बढ़िया है। दोस्तों इसका प्रोसेसर 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि बैटरी कंजम्पशन भी काफ़ी कम करता है, और ये परफॉर्मेंस भी आपको गजब की प्रोवाइड करता है। दोस्तों स्पेशली इस प्रोसेसर को कस्टमाइज़ किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, 4th जनरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रोसेसर में यूज़ की गई है। दोस्तों इस टाइप के जो प्रोसेसर्स होते हैं ये 192 मेगापिक्सल कैमरा तक को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि ये प्रोसेसर 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इसलिए बैटरी कंजम्पशन भी काफ़ी कम करता है। दोस्तों क्योंकि 4th जनरेशन AI का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलता है, तो ये AI बेसिकली बहुत तेज़ काम करता है, या फिर कह लीजिए ये अल्टीमेट पर्सनल असिस्टेंट है आपके कैमराज के लिए, क्योंकि इसमें 3 कैमराज यूज़ किए गए हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी गजब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो लगेगा ही। दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज़ की गई है, ये आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बना देती है, क्योंकि गेमिंग के दौरान ये आपके प्रोसेसर के सारी कोर्स को यूज़ करता है। दोस्तों जैसा कि ये स्मार्टफोन बोस्ट करता है कि ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्मार्टफोन है, तो ऐसे में गेमर्स के लिए भी ये स्मार्टफोन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और ये अपने प्रेडेसर से यानी कि स्नैपड्रैगन 845 से आपको 3 times ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, जो कि एक कमाल की और गजब की बात है। दोस्तों ये प्रोसेसर 4K HDR वीडियो कैप्चर को सपोर्ट करता है, साथ ही HDR प्लेबैक को भी सपोर्ट करता है, और वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोसेसर है जो HDR 10+ वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। दोस्तों जैसा कि ये स्मार्टफोन बोस्ट करता है कि ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्मार्टफोन है, तो ऐसे में गेमर्स के लिए भी ये स्मार्टफोन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों Xiaomi इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है
कि K20 Pro ही होगा वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्मार्टफोन और ये जुलाई के शुरू के दो वीक्स में लॉन्च हो सकता है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बारे में जो भी कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है, अगर आपको इसके फीचर्स पसंद आए हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस बेटर लगे हैं और आपको रियली लगता है कि ये स्मार्टफोन फास्ट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसके स्पेसिफिकेशंस कैसे लगे। दोस्तों, फ्यूचर में भी मैं आपके लिए इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस, अच्छे डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि आपका स्मार्टफोन जो आप परचेज़ करने वाले हैं वो किस तरह के फीचर्स आपको डिलीवर करता है, एक्चुअल उसकी परफॉर्मेंस क्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है तो चैनल पर जैसे ही वीडियो जो है अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।